बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो अगर आपको हम बताएं, इसमें सिंपल सा प्रोसीजर है यूपी पुलिस का, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी लाइक कर दो वीडियो। तो शुरू करते हैं, इसमें क्या है, 37 38 37 38 38 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई है, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल सक्सेस स्टोरी डालोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगी, मुनीस पुलिस डाल के, मुनीस पुलिस सक्सेस स्टोरी डाल लेना या कैसे भी डाल लेना, आपको मिल जाएगी वो। तो इसमें क्या है, जैसे 37 38 आते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें 95% एक्यूरेसी के साथ 3 सब्जेक्ट आप अपने गुड कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, हिंदी का कोई ज़्यादा बड़ा विस्तार नहीं है, उसको ल्यूसेंट जैसी बुक से किया जा सकता है। और जैसे 37 38 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आराम से 34 35 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, अच्छी तैयारी पे, हर रोज़ अगर 1 घंटा 1.5 घंटा आप पढ़ोगे तो भी। तो ये 95% एक्यूरेसी आपकी हिंदी के अंदर होनी चाहिए और मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर ये 3 सब्जेक्ट आपके गलत नहीं होने चाहिए। कोई भी 3 सब्जेक्ट आप 95% एक्यूरेसी के साथ ले चलो, आपका सिलेक्शन पक्का है। अभी बात कर लेते हैं मैथ की, तो मैथ में भी ऐसे ही 34 से 35 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। पूरा जो अर्थमेटिक मैथ है, किसी भी मैथ को उठा लो, RS अग्रवाल को उठा लो, अरिहंत को उठा लो, उसको उठा लो, उसका ज्योति पोति मोती किसी का उठा लो, बस आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अर्थमेटिक का। एडवांस के आप 2 3 चैप्टर जरूर करिए, एक तो मेंसुरेशन जिसको आयतन और वॉल्यूम जिसमें ये और एरिया आता है इसको जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी आप कर लीजिएगा, तो इनमें से आपका कवर हो जाएगा। तो इनमें से 34-35 क्वेश्चन यहाँ से ठीक होने चाहिए आपके, पूरी अच्छी कमांड होनी चाहिए मैथ पे। और रीजनिंग में से मुश्किल 1 या 2 नंबर ही कटना चाहिए आपका, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। रीजनिंग के लिए तैयारी कहाँ से करें, रीजनिंग के लिए यूट्यूब से अगर करना चाहो तो मैथ मस्ती के नाम से चैनल है, यादव सर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप देख के कर लीजिए, उसी में हो जाएगा। यूपी पुलिस ज़्यादा बड़ा नहीं है। और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ले लो रीजनिंग का। अब ये पूछते हैं सर कौन सी बुक लें, अरे जरूरी नहीं है यार, हम किसी की बुक नहीं बेच रहे हैं ना किसी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिसकी आपको अच्छी लगे उसकी ले लो, बस गलतियां नहीं होनी चाहिए उस बुक के अंदर। तो ये 3 सब्जेक्ट आप गुड लेके चलोगे तो आपका हो जाएगा 30 या 90 5 15, यानी कि 105 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर आप जीके थोड़ी बहुत तो पढ़ी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो करंट किया ही होगा, थोड़ा बहुत करंट किसी भी यूट्यूब चैनल से देखते रहो, जैसे वो सुबह करवाते हैं उत्कर्ष सर वाले, उत्कर्ष वाले सर करवाते हैं जो कुमार गौरव सर, वहाँ से आप कर लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो वहाँ से आप करोगे तो उससे 10 12 नंबर आ ही जाएंगे, 15 नंबर तो मुश्किल से मुश्किल आ जाएंगे 38 में से, अगर इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके नंबर बन गए यहाँ से 120 क्वेश्चन ठीक हो गए, मान लीजिए 120 का आप डबल करोगे तो 240 हो गया, जबकि सेफ स्कोर 220 के आसपास ही रहता है। आप 240 में से अगर थोड़ा बहुत गलत होता तो आप सेफ खड़े रहोगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी यूपी पुलिस स्ट्रेटजी के बारे में, अगर कोई और कमेंट है तो मुझे बताएं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन अब की बार वर्दी पक्की लेनी है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।